मामा जी डडियाल। तो अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल्स, आज हम आए थे जी डडियाल स्टेडियम में। तो यहाँ पर आज व्लॉग बना रहे थे, तो व्लॉग तो मैं बाद में अपलोड कर दूंगा, लेकिन हम टिकटॉक की जो वीडियोस हैं वो शूट कर रहे थे। कोई थोड़ी ज़्यादा ही हो गई हैं, पिछले 4 घंटे से टिकटॉक की वीडियो हम शूट कर रहे थे, तो वो भी बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूंगा। अब सब लोग मेरे टिकटॉक आईडी पे जाके नकाश फीक 90 नाम है उसका, वहाँ पे देख लीजिएगा। तो आज हमने एक और नया ट्रेंड भी दिया है कि टिकटॉक में, इसलिए फोकस कर रहा था कि आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि हर तरफ शो डाला हुआ है सब ने। कोई कह रहा बाजी सलकोट, कोई बाजी पिंडी, बाजी लोर। तो हमने भी एक ट्रेंड स्टार्ट किया है, वो कुछ इस तरह का है, मामा जी डडियाल। तो ये हमारे भाई थे अब्दुल्ला भाई, मामा जी डडियाल, ये भी कह रहे थे कि ये शुरू करो ट्रेंड। तो मामा जी डडियाल आज इसी ट्रेंड पे वीडियो मैं बना रहा था टिकटॉक, आप नकाश वीक 90 मेरे नाम से टिकटॉक आईडी है, वहाँ पे देखना। मामा जी आज यहाँ पर आवाम तो नहीं आई, पर ग्राउंड की लगता है काफ़ी सफाई की हुई है इन्होंने, बिल्कुल घास काटी हुई है। तो ये ठंड थी तो इसलिए मैंने चादर ली हुई थी, जो काबू ही नहीं हो रही मुझसे। तो ये मेरे पीछे स्टेडियम की बिल्डिंग है जहाँ से बैठ के कमेंट्री की जाती है। आज मौसम बारिश वाला है, मेरे ख्याल में कल और परसों बारिश भी होगी। हाँ जी भाई जान, चलिए या ये मेरे साथ आज मेरी हेल्प करने के लिए अब्दुल्ला भाई आए थे, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की आज वीडियो बनाने में, खासकर टिकटॉक की वीडियोस, क्योंकि ये बहुत अरसे से यूज़ कर रहे हैं टिकटॉक, तो इन्हें एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा। तो वाकई लग रहा था इनका जो एंगल था वीडियो बनाने का वो काफ़ी बेहतरीन था। तो अभी हम काफ़ी देर से आए हुए थे, तो अभी कोई टाइम नहीं मिल रहा था कोई व्लॉग अपलोड करूं, तो इंशाल्लाह कोई इन नेक्स्ट फ्यू डेज कोई व्लॉग अपलोड करते हैं कोई बना के। तो उम्मीद है कि जितने व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे। तो इंशाल्लाह देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। तो अभी नेक्स्ट व्लॉग मैं अपलोड करूँगा, तो उनमें आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।